नया IBN 7 हौसला है। नेपाल के महाभूकंप को एक हफ्ता बीत चुका है। 80 साल के इस सबसे बड़े भूकंप ने हिमालय की वादियों में बसे इस खूबसूरत देश को बिगाड़ कर रख दिया, तबाह कर दिया। नेटवर्क 18 की सबसे बड़ी टीम ने पिछले एक हफ्ते में आपको इस भूकंप से जुड़े हर पहलू की पल पल की जानकारी दी। नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता हूं और मेरे साथ इस वक्त मेरे साथी मनोज सिंह हैं। हम काठमांडू में हैं और अगला एक घंटा हम आपको महाभूकंप की नेपाल में अब ताज़ा स्थिति क्या है, क्या चुनौतियाँ सरकार के सामने हैं, इस बारे में तफसीली जानकारी देंगे। हालांकि एक हफ्ते बाद हमें काठमांडू की सड़कों पर चहल पहल दिखने लगी है, लेकिन लगता है कि ये जो भूकंप के बाद की जो लौटती चहल पहल है ये आधा सच है। दरअसल ये एक पहाड़ों और गांवों में बसा हुआ देश है जहां पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आते हैं। यही हाल जानने के लिए, पहाड़ों के बीच में बसे हुए नुआकोट के गांव का हाल जानने के लिए मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि दूर दराज बसे हुए उन बेनसीबों का कोई रखवाला नहीं है। नेपाल के महाविनाशकारी भूकंप को पूरा एक हफ्ता बीत चुका है। भारत समेत कई देशों की राहत के चलते कम से कम शहरों में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। काठमांडू की सड़कों पर चहल पहल नजर आने लगी है, लेकिन नेपाल के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में, दुर्गम पहाड़ी बस्तियों में क्या वो राहत पहुंच पाई है? क्या वहां लोगों के पुनर्वास का कोई इंतजाम हो पाया है? ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं नुआकोट के थानापति गांव में। काठमांडू से 70 किलोमीटर दूर नुआकोट जिले में 750 से ज्यादा लोगों की जान गई। हजारों लोग अब भी एक हफ्ते बाद भी लापता हैं। ये नेपाल का बेहद दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ एक जिला है। यहाँ साइकिल और मोटरसाइकिल तक नहीं पहुँच पाते। सरकार की जेसीबी मशीनें मलबा हटाने के लिए कैसे पहुँचेंगी? नुआकोट के थानापति गांव में महज 90 घर थे। बीते शनिवार को आए भूकंप में यहाँ ज्यादातर घर जमींदोज हो गए। 30 से ज्यादा मौतें हुई, कई लोग घायल हुए, लेकिन डॉक्टर तो छोड़िए, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई राहत नहीं पहुंची। 12 बजे को टाइम में आगे भूकंप आयो, दुईटे घर ध्वस्त तस नस भयो। हम तो सभी जान यता छौ, परिवार भैंसालो घर हल्लिएको आवाजले परिवार सबै भागेर बाँच्न सफल भयो। भैंसी पुरिएको थियो, भैंसी पछि हामी सबजना मान्छे बोलाएर भैंसी उद्धार गर्यौं। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें एक टूटा हुआ घर नजर आया, जिसे घर के लोग खुद ही बनाने में लगे हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि सरकार से उन्हें बेहद मामूली करीब 5-7 हज़ार रुपए की कोई माली मदद मिली है, लेकिन वो जितना नुकसान हुआ है उनका उसके मुकाबले में नाकाफी है, लिहाजा उन्हें अब ऐसे ही अपना घर खुद बनाना पड़ रहा है। अब तीन घर आफैले बनाउँदैछ। अब त्यसमा अब के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, त्यसमा हामीलाई अब के गर्नुपर्ने हो हजुरहरु के हैन? बात सिर्फ घर बनाने की नहीं है, यहाँ गिरे हुए घरों का मलबा हटाने का भी इंतजाम नहीं है। लोगों को उसी मलबे में जगह बनाकर जैसे तैसे रहना पड़ रहा है। महिलाएं हो या बच्चे, सबका एक ही हाल है। हालांकि 7 दिन बीत जाने के बाद मलबे में किसी के दबे होने की आशंका नहीं बची, लेकिन लोग दोबारा भूकंप के झटके से सहमे रहते हैं। दरअसल थानापति और उसके जैसे सैकड़ों गांव पहाड़ों के इतने दुर्गम इलाकों में बसे हैं कि वहां राहत और बचाव के उपकरणों का पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। पहाड़ों के घर भी दूर दूर बने होते हैं, लिहाजा सरकार ज्यादा मेहनत और कम फायदे के इस सौदे से बचती है। हालांकि सेना के हेलीकॉप्टर दूर दराज इलाकों में जाने और राहत पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो खुशकिस्मत इलाके कुछ ही है। ये
कुछ लोग थोड़े कम बदकिस्मत थे कि उनके घर फिर से बनने की हालत में हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही हमें कुछ ऐसे इलाके मिले, ऐसे घर मिले जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। मिट्टी, लकड़ी और एल्युमिनियम की चादरों के बने ये घर अब रहने लायक नहीं बचे हैं। ऐसे में ये सवाल लाजमी था कि इन घरों के बाशिंदे अब कहाँ रह रहे हैं और क्या उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए शहरों से सरकारें यहाँ तक पहुँच पा रही हैं। पालतू के घर वगैरह बीजक वगैरह अन्न पानी के अपने परिवार में 10-12 वटा हुन्छ कसरी बस्ने अब यस्तो हुन्छ। 25 अप्रैल को आए भूकंप में नेपाल के 29 जिलों में से 13 बुरी तरह प्रभावित हुए। इन 13 जिलों में करीब 6 लाख परिवार बेघर हो गए, लिहाजा 6 लाख से ज्यादा टेंटों की जरूरत है। लेकिन अब तक सरकार सिर्फ 50,000 टेंट ही बांट पाई है। सरकार ने मरने वालों के लिए तो 1,00,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन बेघर हुए लोगों के लिए कोई माली राहत नहीं है। साफ है कि राजधानी काठमांडू या दूसरे शहरों में लौटती चहल पहल से अगर आपको लगता है कि नेपाल में जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो ये आधा सच है। हिमालय के खूबसूरत वादियों में बसे नेपाल के वो सैकड़ों इलाके हैं जहां जिंदगी को पटरी पर लौटने का अब भी इंतजार है। नीरज गुप्ता, नुआकोट, नेपाल, IBN 7। नीरज, आप तो इंटीरियर्स तक गए नेपाल में और आज के अखबारों में भी लिखा हुआ है कि करीब 29,000 ऐसे जिले हैं जो बहुत ज्यादा बुरी तरह तबाह हैं और सिर्फ 13,000 जिलों तक ही राहत सामग्री या बचाव कार्य शुरू हो पाया है। आज सवेरे मैं गया धरहरा टावर यहाँ काठमांडू में देखने के 7 दिन बाद वहाँ पर क्या हाल है लोगों के, और वहाँ पर मुझे 2 अनोखी कहानियाँ नजर आई। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी वो कहानी देखें। आज से ठीक 7 दिन पहले जब नेपाल की धरती भूकंप से हिली तो नेपाल का ये धराहरा टावर धरधरा कर नीचे गिर पड़ा। इसकी चपेट में करीब 57 सैलानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक ओर काठमांडू के धरहरा टावर का मलबा साफ किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कांता और उसकी बेटी समिता गुपचुप सी बैठी हैं। धरहरा टावर की ओर देखें भी तो कैसे, ये ठीक वही वक्त है जब पिछले शनिवार को भूकंप आया और इस टावर के साथ इनका आशियाना भी धराशायी हो गया। वहाँ का पीछे का जो आदमी लोग बैठे थे वहाँ का वो लोग बाहर नहीं निकल पाए है ना, हम लोग तो सब बाहर आए लेकिन वो लोग अंदर ही रह गए, दब गए। तो जितना भी धर्रा में आदमी ऊपर गए थे वो सब अब वैसे ही पर आए। धरहरा की सिर्फ यादें ही बची हैं। समिता की आंखें सूनी हैं तो ढेर सारे लोग धरहरा टावर की आखिरी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। ये इतिहास अब जमींदोज हो गया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा है तो इसकी कहानियां, जैसे राधा को अपने दोस्तों के साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कल्पना में भी नहीं था कि ये ढलेगा, इस दिन 72 साल पे ढलेगा, कल्पना में भी नहीं थे। बहुत बुरा लग रहा है। बुरा सपना ही तो है मगर सच है, कुछ दिनों में धरहरा टावर की ये आखिरी निशानी भी जाती रहेगी। जिंदगी आगे बढ़ेगी मगर क्या सैलानी भी यहाँ आएंगे? क्या कांता और उसकी बेटी समिता अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगी? क्योंकि यहाँ दुनिया भर से सैलानी घूमने आया करते थे, इसलिए धराहरा के आसपास रहने वाले तमाम लोगों की रोजी रोटी इस एक टावर की वजह से ही चलती थी। मगर आज से ठीक 7 दिन पहले जब ये धराहरा टावर गिरा तो इनमें से कईयों के रोजी रोटी कमाने वाले ही इस दुनिया से चले गए। वीडियो जर्नलिस्ट जयपाल रावत के साथ मनोज सिंह, धराहरा टावर, काठमांडू, IBN 7।
अब से ठीक एक हफ्ता पहले कुदरत की बेरहम नजर ने नेपाल के लोगों की जिंदगी को छिन्न भिन्न कर दिया था। हजारों लोग, 7,000 का आंकड़ा आ चुका है, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग लापता हैं, यानी इस खूबसूरत देश की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। दुनिया भर के देशों से यहाँ मदद पहुंची, लेकिन वो मदद अब भी आखिरी इंसान तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक वो वक्त हो रहा है मनोज, जब ये धरती कांपी थी हिमालय की और लोगों के दिल भी कांपे थे और जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि हम मारे गए उन तमाम लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखेंगे। जो मारे गए, हमारी दुआ है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मनोज, बड़ी चुनौती उनके सामने है जो बच गए, जो बेघर हो गए। जो बच गए उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत पेश आ रही है उनके रिहैबिलिटेशन की, दो चार बातें आपने भी सुनी, हमने भी लोगों से बात किया, उसमें ये चीज़ बात सामने आ रही है कि जो सामान, जो रिलीफ वर्क आ रहा है, उसे ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। अभी तक 7 दिन हो गए, सिर्फ 50,000 टेंट जो पूरे नेपाल में, बिल्कुल, जबकि जरूरत 6 लाख घर बर्बाद हो गए हैं। 50,000 चाहिए लोगों को रहने के लिए, बिल्कुल। और अगर उन टेंट्स की हम बात करें, ये तो शुरुआती बात है, अगर उनके घर बनाने की बात करें तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्च है, बिल्कुल। बहुत लंबा वक्त है, पहले उस डेब्रीज को हटाना पड़ेगा, उन्हें साफ करना पड़ेगा और वहां पर घर बनाना होगा, तो ये बहुत बहुत लंबा, मुझे लगता है नेपाल पिछले इस 7 दिन में कम से कम 15-20 साल पीछे जा चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सरकार की लाल फीता शाही भी सामने आ रही है। हमने सुना है कि सरकार सिंगल विंडो सिस्टम चाहती है, सरकार के जरिए मदद पहुंचे, वो भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। पहले सरकार ने अनाउंस किया है कि फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि कोई भी एनजीओ, कोई भी सरकार जो यहाँ पर राहत भेजना चाहती है वो सिर्फ, बिल्कुल, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जरिए भेजे। ये सब दिक्कतें आ रही है। हम मनोज इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। काठमांडू में इस वक्त नीरज मेरे साथ मौजूद है और मैं मनोज सिंह, यहाँ पर हम लोग स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं। और यहाँ पर जब भूकंप आया था आज से ठीक 7 दिन पहले, तो शनिवार का दिन था और बड़ी राहत की बात थी कि बच्चे उस दिन यहाँ पर नहीं थे। आपने भूकंप की त्रासदी बिल्कुल पहले दिन से देखी है, क्या क्या सबसे शॉकिंग चीज़ आपको लगी यहाँ पर? बिल्कुल मनोज, जब हम काठमांडू के ज़मीन पर, जब हमारे जहाज के पहिए टकराए थे, उस वक्त ये शहर सदमे में था। यहाँ बिजली नहीं थी, मोबाइल कनेक्शन नहीं चल रहे थे, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, किसी से संपर्क करने की हम लोग हालत में नहीं थे। अगली सुबह जब हम बर्बाद हुए घरों में, तबाह हुई साइट्स पर पहुंचे, तो लोगों के चेहरों पर उस वक्त, खास बात यह है कि उस वक्त भूकंप लगातार दोबारा आ रहा था, रविवार को दोबारा भूकंप आया था शनिवार के बाद, और उस वक्त लोगों को ये लग रहा था कि अपने घरों में, जिनके घर बच भी गए थे वो भी अपने घरों की छतों के नीचे नहीं रहना चाहते थे। तो ये एक अजीब तरह की हालत थी। उसके बाद से 7 दिन आज बीते हैं, जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन जैसा आप भी बता रहे थे कि वो आखिरी जरूरतमंद तक वो रिलीफ पहुंच पा रही है या नहीं। देखो, उसमें मेरा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे भारत जो मुल्क है वहाँ लोकतंत्र है, उसके बाद हमारी बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी है। नेपाल में ऐसा नहीं है, नेपाल में कोई लोकल बॉडी नहीं है, तो गवर्नेंस सिर्फ एक लेवल पर है, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है जो रिलीफ राहत की सामग्री आ रही है उसको सही तरीके से हैंडल करना और डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उस चीज़ को आप जरूरतमंद लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सामान नहीं है। आज ही खबर आई है अखबार में कि फेसबुक के यूजर्स जो हैं उन्होंने पिछले 2 दिनों में
कम से कम करीब 1.2 बिलियन रुपया जी जो है वो डोनेट किया है दो दिनों में, करीब 5 लाख लोगों ने मिलकर के। तो हर तरह के लोग डोनेशन दे रहे हैं, हर तरह की राहत की सामग्री आ रही है। दुनिया भर के, दुनिया के करीब 21 देश हैं, वहाँ से आर्मी और वहाँ के लोग जो आकर के यहाँ राहत का काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुश्किल ये है कि सब कुछ लाल फीताशाही में जाकर अटक जा रहा है। और जैसा कि आप दूर दराज के गाँव में गए, लगातार हम अपने चैनल पर दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल मनोज, यही है सरकार के सामने चुनौती है कि वो कैसे इसका इस्तेमाल करती है। हम इसकी पड़ताल करेंगे आगे। नेपाल में महाभूकंप के एक हफ्ते बाद काठमांडू से हमारे इस खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मनोज, जैसा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अब बचाव से जो ये कदम है वो राहत और पुनर्वास की तरफ बढ़ रहे हैं, और सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे लोगों तक ये राहत पहुंचे। लेकिन हमने ये देखा कि दूर दराज जो पहाड़ी इलाकों में बसे हुए लोग हैं वहां तक ये राहत सरकार कम से कम नहीं पहुंचा पा रही है। ऐसी सूरत में भारत की जो कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप, श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग, ये उम्मीद की किरण लोगों में बनकर आई है। मेडिकल कैंप से लेकर खाने पीने का सामान तक लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं। ये देखिए मेरी ये रिपोर्ट। राहत का इंतजार करते करते जब सारी आस टूट चुकी हो, तब अचानक गांव में ऐसी हलचल चौंकाने वाली होती है। लोग तेजी के साथ चले जा रहे हैं गांव की। दरअसल गांव वालों को खबर मिली थी कि भूकंप के इतने दिनों बाद आखिरकार कोई गाड़ी वहां पहुंची है। लोगों के चेहरे चमक उठे क्योंकि उस गाड़ी में सवार लोग वाकई फरिश्ता बनकर यहाँ पहुंचे थे। डॉक्टरों की टीम दवाइयां और खाने पीने का सामान लेकर यहाँ पहुंची थी। दिलचस्प ये कि ये टीम श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से भेजी गई थी। इस टीम की बदौलत हफ्ते भर बाद गांव वालों को खाना नसीब हुआ। ये नेपाल की बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ गवर्नमेंट अभी तक नहीं पहुंचा था। हम लोग आए हैं बहुत दूर से। यहाँ हमें चाउचाउ, चिवरा, बिस्कुट, ये सब हमने इतने यहाँ का एक नंबर ओड़ा और दो नंबर ओड़ा में हमने ये सब के लिए बांट दिया। दरअसल सरकारी मदद से महरूम गांव देहात के लोगों में सबसे बड़ी कमी है मेडिकल सुविधाओं की। लोग डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पा रहे और डॉक्टर लोगों तक। ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग की डॉक्टरों की टीम का आना बेहद राहत भरा रहा। यहाँ पर स्पेशली हेडेक है बहुत का, उसके अलावा कट इंजरी है बिकॉज ऑफ फॉल और बिकॉज ऑफ द प्लाइज। सो माइनर ड्रेसिंग्स हैज बीन डन बिकॉज वी आर हियर फॉर जस्ट फर्स्ट एड। सो एक्सेप्ट देन दैट आई गेस दे नीड टू गो रश टू हॉस्पिटल्स फ्यू ऑफ द पेशेंट्स, बट प्राइमरी ट्रीटमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। डॉक्टरों की इस टीम ने लोगों के लिए ट्रॉमा रिलीफ कैंप भी लगाए। इसमें लोगों से भूकंप से जुड़े उनके अनुभव पूछे गए ताकि लोगों के जहन से भूकंप का डर निकल जाए और वो वापस जिंदगी की तरफ लौट पाए।
हम ये ट्रॉमा रिलीफ इसलिए कर रहे हैं, जब लोग ट्रॉमा से बाहर आते हैं तब अपना जिंदगी खुद संभाल ले सकते हैं, दूसरे का सहारा नहीं चाहिए। जब वो ट्रॉमा से रिलीफ होते हैं तो उन लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और धैर्यता बढ़ जाती है। दरअसल भूकंप का एक हफ्ता बीतने के बाद अब बचाव से ज्यादा राहत और पुनर्वास की तरफ बढ़ने की जरूरत है, इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग की तर्ज पर भारत के तमाम गैर सरकारी संगठन नेपाल के लोगों को इस सदमे से उबारने में जुटे हैं। ईश्वर तैले रचेर फेरी कसरी बिगारी, सृष्टि को फूला रचेर फेरी कसरी लतारी, हे दैव पर्दा उठाऊ छिटो धन्य छ तलाई, हे दैव पर्दा उठाऊ छिटो धन्य छ तलाई। नेपाल में मौसम बहुत तेजी से बदलता है, धूप के बाद बारिश और बारिश के बाद धूप। हम उम्मीद करते हैं कि ये हालात भी तेजी से बदलें और भूकंप के बाद लोगों की अंधेरी हुई जिंदगी में फिर से एक नया सवेरा आ सके। नेपाल के एक गांव से वीडियो जर्नलिस्ट विमल कुमार के साथ नीरज गुप्ता, IBN 7। बहुत ही मार्मिक गाना गा रहा था, आपने सुना बिल्कुल, और ये भूकंप की त्रासदी के बयान करता हुआ गाना था। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि भूकंप की त्रासदी के बाद जो फूड असिस्टेंट है यानी खाद्य सामग्री की जो जरूरत है, करीब 35 लाख लोगों को अगले साल भर तक नेपाल में खाना खिलाना पड़ेगा और उसके लिए करीब $80 मिलियन की जरूरत पड़ेगी नेपाल को। खैर आगे की बात है, आज सुबह ही मैंने कहा कि सातवां दिन हो चुका तो एक रिलीफ कैंप में जाकर देखते हैं कि वहां पर लोगों का क्या हाल है, और वहां पर जो मैंने देखा वो बहुत ही दिल को दुखाने वाली बात थी। काठमांडू के इस रिलीफ कैंप में आज शनिवार की सुबह करीब 8 बजने को है और जैसा कि आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस रिलीफ कैंप के पास में एक ट्रक आया है जिसमें कुछ राहत सामग्री आई है और इसे पाने के लिए बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, तमाम तरह के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं ताकि थोड़ी सी सामग्री मिल सके जो वो खा सकें, खाने पीने का सामान मिल सके, पानी की बोतलें मिल सकें। 7 दिन बाद भी नेपाल में यहां काठमांडू में इन लोगों का इतना बुरा हाल है। एक बोतल पानी या एक बिस्किट का पैकेट या फिर कुछ भी नहीं, टूड़ी खेल के इस राहत कैंप में इस शनिवार की सुबह पिछले शनिवार जैसी भयानक नहीं है मगर लाचार जरूर है। तो अभी तो आज से ठीक काफी ज्यादा भूकंप पाया था, अब लोग अपने वापस घर में जाने जा रहे हैं। डर है राहत कैंप की ये लाइनें भूकंप आने के 7वें दिन भी कम नहीं हो रही हैं। कुछ कम हो रहा है तो लोगों की उम्मीद और उनका भरोसा, खासकर नेपाल की नौजवान पीढ़ी का। स्टूडेंट को बहुत आगे तक जाना है लेकिन पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार से कि हमारा स्कूल कब खुलेगी, इनका भरपाई कौन करेगा और कब तक हो जाएगी। भूकंप के 7 दिन बाद भी ये लोग अपने घर नहीं जा सकते, घर बनने में भी शायद सालों लग जाएंगे। फिलहाल तो ऐसे करीब 10,000 कैंप्स हैं जिनमें 30,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली मानुषी के सवाल तो इतने बड़े हैं कि बड़े बड़े भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ कब तक रहेंगे हम लोग, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता और एक महीना, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? और यहाँ पे जो लाइट दी गई थी वो भी एक दिन दिया, दो दिन दिया, उसके बाद बंद कर गए, उसके बाद हम कैसे खाना बनाएंगे बगैर लाइट? एक तरफ राहत कैंप है तो दूसरी तरफ राहत पाने के लिए लगी लंबी लाइनें। आज 7 दिन हुए हैं, कल साल पूरा हो जाएगा, मगर क्या नेपाल की तस्वीर बेहतर हो पाएगी? नेपाल में भूकंप की त्रासदी को आज 7 दिन पूरे हो गए, बावजूद इसके इन राहत कैंपों में रह रहे लोगों की पेट की भूख न कम हो पाई है न ही तो उनके मन का डर। वीडियो जर्नलिस्ट जयपाल रावत के साथ मनोज सिंह, काठमांडू, IBN 7। मनोज, जिस तरीके से वो बच्ची आपसे कह रही थी कि हमारे स्कूल बंद हैं, हम कहाँ
कब जा पाएंगे? तो देखिए, इस वक्त भी हम लोग एक स्कूल में हैं। ये दरबार हाई स्कूल काठमांडू का बहुत मशहूर स्कूल है, पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और अगले 15-20 दिन तक तो सरकार ऐलान कर चुकी है कि स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन इसकी हालत पता नहीं कब सुधरेगी। मनोज, एक बात और है, जब जिंदगी इस कदर छिन्न भिन्न हो जाती है तो लोगों को एक हीरो की जरूरत महसूस होती है, क्या नेपाल के लोगों को मिला कोई हीरो? बिल्कुल नीरज, नेपाल के लोगों को अपना हीरो मिल चुका है और मैं 2 दिन पहले ही उससे मिला और इस वक्त वो नेपाल का ही नहीं इंटरनेशनल हीरो बन चुका है। सारी मीडिया, सारा इंटरनेशनल मीडिया उसे कवर कर रही है आज की तारीख में। आप देखिए ये खबर और उसमें मिलिए नेपाल के इस नए हीरो से। जिस वक्त नेपाल में भूकंप आया उस वक्त ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन एक नौजवान ऐसा भी था जिसने अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह किए बगैर सबसे पहले लाखों नेपालियों की जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी। भूकंप वाले दिन जनार्दन बिष्ट रोज की तरह ही अपने काम पर निकले। जनार्दन रेडियो नेपाल में बतौर रेडियो जॉकी काम करते हैं। भूकंप वाले दिन जनार्दन और उनकी पूरी टीम एक रेडियो प्रोग्राम बनाने में जुटी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी जमीन कांपने लगी। शुरू में हम लोग घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। भूकंप आया तो हम बाहर निकले, सब कह रहे थे भूकंप भूकंप आया भूकंप आया, तो डर रहे थे। इसी बीच जनार्दन जी आया तो घायल थे, तो उसको हाथ एंड पेट से ब्लड से खून बह रहे थे। अफरातफरी में करीब 7 मिनट रेडियो स्टेशन बंद हो चुका था, तो हम लोग कैसे इसको शुरू करें इसी में हम लोग सब लोग लग रहे थे। I was also terrified at that time, but it was our priority that how to disseminate the true information to our audience, and we went together into the studio and we just started talk with our audiences, and the main goal of Radio Nepal during that time was how to save the lives of the people. और अगले 7 मिनट में रेडियो नेपाल की टीम तैयार थी भूकंप के बाद के अपने पहले ब्रॉडकास्ट के लिए। रेडियो नेपाल की इस टीम पर यहाँ इस वक्त पूरे मुल्क को गर्व है। नेपाल में भूकंप की त्रासदी के बाद दुनिया भर के तमाम पत्रकार और मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी जान को इस जोखिम में डालकर भी वो अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयपाल रावत के साथ मैं मनोज सिंह, IBN 7 काठमांडू। और अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपका दिल दहला देंगी। सोलह सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 16 सेकंड ने नेपाल में तबाही मचा दी। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं 25 अप्रैल की सुबह की, जब नेपाल में मौत का भूकंप आया था। ये जगह है काठमांडू का सुंदरा इलाका। सड़क पर सब कुछ सामान्य था, रोज की तरह गाड़ियां दौड़ रही थी, बाजार में ऑटो टैक्सी की भीड़ थी। तभी शुरू हुआ मौत का भूकंप, धरती हिलने लगी। शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन महज 4 सेकंड में भूकंप के झटके इतने जोरों से आए कि सब कुछ जबरदस्त तरीके से हिलने लगा। CCTV की इन तस्वीरों से आपको भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लग जाएगा। लोग दुकानों से बाहर भागने लगे। भूकंप के शुरू होने के 12 सेकंड बाद सड़कों पर चल रही बाइक गिरने लगी। गौर से देखिए इस तस्वीर को, कैसे सड़क पर चलती हुई बाइक जलजले से गिर पड़ी। लोगों में अफरा तफरी मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। भूकंप शुरू होने के 13 सेकंड बाद की इस तस्वीर पर गौर कीजिए। सड़क के दाहिनी तरफ एक इमारत दिख रही है जो कि झुकी। ठीक उसके नीचे सड़क पर एक तांगे वाला दिख रहा है, कुछ लोग दिख रहे हैं। इमारत को गिरता देख तांगे वाले ने अपने तांगे से छलांग लगाई, लेकिन भूकंप शुरू होने के 16 सेकंड में इमारत जमीन पर आ गिरी और वहां छा गया मौत के मलबे का गुबार। जी हाँ, सिर्फ 16 सेकंड में तबाही। हालांकि ऐन वक्त पर तांगे वाले की छलांग ने उसे इमारत की चपेट में पूरी तरह आने से बचा लिया, लेकिन फिर भी वो इमारत के मलबे के चपेट में आ गया। इमारत के नीचे कई लोग और दब गए जो वहां खड़े थे, जो उस इमारत में थे, उसकी दुकानों में थे,
मलबे की चपेट में सड़क की दूसरी तरफ खड़े लोग भी आए, लेकिन धरती का डोलना कायम रहा। अफरा तफरी में हर कोई इमारतों से दूर दूसरी तरफ भागने लगा। ये तस्वीरें भयावह हैं, मौत के भूकंप की वानगी है। ठीक 65 सेकंड बाद धरती का डोलना बंद हुआ, लोग मलबे की ओर भागे, लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखे, सड़कों पर गिरे लोगों को उठाते दिखे। इस इमारत के नीचे आने से बाल बाल बचे टांगे वाले को कुछ लोग उठाते दिख जाएंगे। क्या हुआ उस टांगे वाले का, ये तो हमें नहीं पता। क्या वो बच पाया, क्या अंतिम क्षण में उसकी छलांग उसे बचा पाई, ये हमें नहीं पता। लेकिन नेपाल में तबाही के भूकंप ने अब तक करीब 6000 लोगों की जान ले ली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 10,000 को पार कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह नेपाल भूकंप की इस त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है कि हम सबको दुआ करनी चाहिए नेपाल के लोगों के लिए, मानवता के आधार पर, और दूसरे क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं, हमारा भाई मुल्क है। बिल्कुल, काठमांडू से महाभूकंप के एक हफ्ते बाद इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। IBN 7 पर भूकंप से जुड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए IBN 7 के साथ।